योर ऑनर, पेज नंबर 61 में प्रोसीडिंग इन कैमरा का इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन मैंने दिया हुआ है और उसके साथ में ये साइटेशन रेफरेंस भी दिया हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिसके पेज नंबर 76, पेज नंबर 76, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मोस्ट डेस्कटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव कैमरा देयर बाय फैसिलिटेटिंग द ईज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इन ऑडियो विजुअल मोड, पेज नंबर 76 में लिखा है सबसे नीचे पैरा नंबर 17, पैरा नंबर पेज नंबर 76 पैरा नंबर 17, दिस कोर्ट मस्ट ऑल्सो टेक अ रोबस्ट व्यू ऑफ टूडेज कंडीशन. We are living in an era, in an age of technology. नीचे मैंने हाईलाइट किया है मोस्ट डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव कैमरास देयर बाय फैसिलिटेटिंग द ईज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इन द ऑडियो विजुअल मोड. मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल कैमरा, ये सब की बात किया गया है. इसके अलावा पेज नंबर 96, पेज नंबर 96, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं फैमिली कोर्ट मस्ट एनकरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट स्पीडी एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन. अबव ऑल इट मस्ट बी एक्नॉलेज दैट अ होल हार्टेड एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर कोर्ट्स टू मीट सोसाइटल डिमांड्स फॉर इफिशियंट एंड टाइमली जस्टिस. लास्ट लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने Should this court even attempt to put a lid on the inexorable movement towards incorporating technology? क्या हम टेक्नोलॉजी को पीछे करने यूज़ करने में पीछे रहते हैं? ये खुद पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट. If we do so, अगर हम ये करते हैं, we risk ourselves being left behind as an anachronism in digital age. तो और इसमें साफ तौर पे एक जगह और लिखा है कि अगर प्रोसीडिंग इन कैमरा किसी भी पार्टी ने मांगा तो कोर्ट को प्रोसीडिंग इन कैमरा करना ही पड़ेगा, ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने. वो पेज भी मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, पैरा नंबर 45. The language employed in Section 11 of the 1984 Act is absolutely clear. It provides that if one of the party desire that proceeding should be held in camera, the family court has no option but to direct. The court in exercise of its jurisdiction cannot take away such an sanctified right that law recognizes either for the wife और दी हस्बैंड. मतलब प्रोसीडिंग इन कैमरा मैंने मांग किया है तो वो होना ही चाहिए. अगर इसके कॉन्ट्रेरी टू लॉ अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो वो खुद एक क्राइम है आईपीसी 166A, आईपीसी 217 के तहत, जिसमें एक जज भी क्रिमिनल बन सकता है, जिसमें एक जज भी क्रिमिनल. सीआरपीसी 237(2) अभी मैं दिखा देता हूँ. हाँ अभी मैं बता देता हूँ. सीआरपीसी 237 सबसेक्शन 2, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ आइदर पार्टी देयर टू सो डिजायर और इफ द कोर्ट थिंक्स फिट सो टू डू. ये रहा ये बुक. वही कैमरे की डिफिनेशन है. अगर हम यहाँ किसी से वही तो लीगल प्रोविजन है 237(2) में. इन कैमरा प्रोसीडिंग करने के लिए वो बात अलग, लेकिन आप जो इन कैमरे का मतलब समझ रहे
बनाने की कोशिश कर रहे हो कि इंडिया में बोले तो क्या टेक्नोलॉजी, वो जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो सीआरपीसी ने कहा है वो बताओ। सीआरपीसी खुद 1973 में लिखा हुआ है, उस समय टेक्नोलॉजी वाले वो लोग सोच कहाँ रखते थे। सीआरपीसी में नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि कैमरा लेकर प्रोसीडिंग चलाओ। लिखा है, लिखा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको हर पेज में टेक्नोलॉजी को अलग एंगल से है। कौन सा एंगल से? मतलब नहीं है। अच्छा एक ही सवाल का नहीं, बहस नहीं करना है। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया में है, लेकिन हम रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस नहीं लेते, खुद सुप्रीम कोर्ट लेता है और हर कोर्ट लेता है। बताओ कि इन कैमरा पर कैमरा लगा के बैठना चाहिए, ऐसी प्रोविजन दिखाओ। तो आपके लिए मैं और एक डेट देती हूँ, आप ये प्रोविजन ढूंढ के लाओ कि इंडियन गवर्नमेंट कहाँ कहते हैं कि कैमरा का मतलब है कैमरा लगा के बैठना। कैमरा का मतलब और क्या होता है, हम किसी से भी पूछ लें। कॉमन नॉलेज, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। कॉमन नॉलेज कैमरे का अर्थ अलग है, आप जो बता रहे हो वो कुछ भी लॉ को छोड़ के बता रहे हैं। ना लॉ को छोड़ के नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट लॉ को दिखा दो। पर बात मैम ये 237(2) में साफ तौर पे लिखा है। कैमरा का अर्थ वो अलग एंगल से आप जो अर्थ बता रहे हो ना वो अलग है, इसीलिए यही तो मेरा कहना है मैम। तो जो आपका कहना है ना वो मुझे प्रोसीजर कौन से किताब में है लॉ के वो ला के दिखाओ सर। ये अभी मैं बता देता हूँ, ये लाया हूँ। अरे वो तो इन कैमरा जो हम कह रहे हैं वो इन कैमरा है, बोले तो बंद कमरे में प्रोसीडिंग चल रही, लेकिन आपका वो कहना नहीं है। आपका कहना है कैमरा लगा के चलाओ। कैमरा प्रोसीजर कहाँ है वो मुझे बताओ। मुझे हाँ वो इसी में लिखा है क्लियर कट कैमरा। कैमरा लगा के चलाओ ऐसे कहाँ लिखा है? कैमरा मतलब कैमरा ही होता है, कमरा तो नहीं होता। हर कोई जानते हैं, हर कोई जानते हैं। जस्टिस पी रामनाथन अय्यर जी, ये चीज आपके लिए इंडिया में बोलता हूँ। जस्टिस पी रामनाथन अय्यर, उनका एक डिक्शनरी, कंसाइज लॉ डिक्शनरी, दैट इज द फर्स्ट बुक विच सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में आता है। इन दैट बुक इट इज वेरी मच डिफाइंड, इन कैमरा मीन्स इन जज प्राइवेट चेंबर। वो कहाँ से आया मैं अभी बताता हूँ, वो कहाँ से आया मैं इनको बताता वो कहाँ से आया। 100 ईयर पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्लैक नाम का आदमी था, जो 100 साल पहले उस जमाने में इन कैमरा का डिफिनेशन वैसा लिखा था। वो 100 साल पुरानी बात है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है टेक्नोलॉजी यूज करो, तो कोर्ट को किस बात का डर है? मेरा सिंपल सा सवाल, टेक्नोलॉजी लाओ कहाँ से? मेरे पास है, ये बैग में सारा सामान है टेक्नोलॉजी। इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए। ये कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट से आया है, ये प्रिंटर सुप्रीम कोर्ट से आया है। जब सुप्रीम कोर्ट मुझे कैमरा देगा उस दिन आपकी केस शुरू करेंगे। चलिए ठीक है मैम, ठीक है हम ठीक है प्रोसीडिंग इन कैमरा छोड़ देते हैं। हम डायरेक्टली मेन पिटीशन के आर्गुमेंट पे आते हैं, मेन पिटीशन के आर्गुमेंट पे आते हैं। मैं इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए एक तरीका लेके आया हूँ। मेरा केस है, तरीके हम तो आपके जो है इस किताब में लिखे वही चलाने वाले, उसी तरीके में हम जाने नहीं वाले। उसी किताब के हिसाब से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्गुमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आर्गुमेंट होना था। मैं एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने प्रोसीडिंग इन कैमरा का ऑलरेडी आर्गुमेंट दिया था, बट ऑर्डर नहीं आया है। प्रोविजन क्लियर कट किताब में लिखा है, वो अलग है। जो आप बोल रहे हो वो नहीं लिखा हुआ किताब में कि कैमरा लगा के बैठो, ऐसी किताब में। अच्छा ठीक है ना, चलिए हम खुद ही कर लेते हैं। मेन पिटीशन के आर्गुमेंट पे आते हैं, वो पॉइंट छोड़ ही देते हैं। वो झूठ लिखा है, ठीक है केस के ऊपर ही बोलता हूँ मैं। पेज नंबर 63। हाँ वो पेज नंबर 63 पे जाएंगे तो एकदम क्लियर कट आ जाएगा। सबसे पहले मैं ज्यूरिसडिक्शन पे बात करता हूँ मैम। ये मामला जो है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन अगर मान लीजिए दूसरा रहेगा तो जबरदस्ती आपका टाइम खराब होगा, मैं आपका टाइम भी खराब नहीं करना चाहता।
ये जो है मेरे ऊपर फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, दहेज प्रताड़ना और डेजर्शन टू वाइफ, डेजर्शन ऑफ वाइफ, ये आरोप लगाया गया है मेरी वाइफ ने, मेरे फादर इन लॉ ने लिखित में लगाया है। कहाँ कहाँ पे लगाया है? बिलासपुर फैमिली कोर्ट में लगाया है, जब उसने मेंटेनेंस पिटीशन डाला वो मैंने 2.1 में डाल दिया है, पैरा नंबर 2.1 एनेक्सर P1 पेज नंबर 10-15, वहाँ पे क्लियर कट दहेज प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और वाइफ को त्याग करने का झूठा आरोप लगाया। फिर फैमिली कोर्ट, यहाँ पुणे फैमिली कोर्ट में आरोप लगाया कि भाई मैंने उसको यही चीज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी वही किया, वही आरोप लगाए। तो इसीलिए अब मैं, इसीलिए मैं क्रिमिनल डिफेमेशन लगा रहा हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। ये मुझे इस कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस वहाँ पे हैं, सर जो भी हो वो यहाँ के चीफ जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनके वहाँ वो लोग वेरीफाई किए, चेक किए, वो बोले कि उसका पुलिस स्टेशन जो होता है इस कोर्ट के अंदर में आता है। वो पुलिस स्टेशन पहले से फैमिली कोर्ट में भी होता है, अच्छा बेसिस होता है, तो एविडेंस ऑफ एलिगेशंस मैंने बता दिया, उन्होंने रिटन में दिया है जिसका सर्टिफाइड कॉपी मैंने सबमिट कर दिया है, मार्कर से हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, ठीक है। और एलिगेशंस किस लिए लगाते हैं? सपोज कीजिए किसी जज के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाएगा कि ये करप्ट है, तो किस लिए लगाते हैं? मान हानि के लिए। मैं एग्जाम्पल अंडर विच सेक्शन में मुझे पता है, आपको प्रोविजन दिखाने के लिए बोली है, आप यहां से प्रोविजन हाँ, तो एलिगेशंस मीन टू डिफेम इसके हद में रखे बोलिए, उसी के हद में है मैम, बिल्कुल एविडेंस और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। एलिगेशंस मीन टू डिफेम एंड हैरास, मेरी 4 साल की बेटी क्रिमिनल टेररिस्ट के पास रहने को मजबूर हो गई है, मेरी 4 साल की बेटी। और मेरे पास, मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, SMS और WhatsApp के चैट रिकॉर्डिंग है जो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, उसमें उसने क्लियर कट कहा है कि मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया, मारा तक नहीं, गाली तक नहीं दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मैंने उसे गाली तक, वो खुद कबूल करती है कि मैंने उसे गाली तक नहीं दिया कभी जिंदगी में, फिर मेरे ऊपर इतने सारे आरोप क्यों लगाई है? तो स्वाभाविक है कि वो मुझे बदनाम करने के लिए ही लगाई है ना। तो ये सारे एविडेंस हैं मैम, और ऊपर से उसने जो पिटीशन और रिस्पांस सबमिट किया है वो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट है, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड अगेन। इसीलिए ये क्लियर कट मामला बनता है कि भाई हाँ, उसने क्रिमिनल डिफेमेशन किया है मेरी वाइफ ने, मेरे फादर इन लॉ ने। और उसके अलावा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के और भी रिपोर्ट हैं, NCRB का भी रिपोर्ट है, अर्नेश कुमार की जजमेंट आपने खुद पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 96% चार्जशीट होता है दहेज प्रताड़ना के केस में, लेकिन हमारा कन्विक्शन 87% फेल होता है, और अगर उसमें से मैं 304 भी हटा दूं तो हमारा कन्विक्शन सिर्फ 3.99% कुछ आता है, मतलब 96% दहेज प्रताड़ना का केस झूठा है। उसके अलावा सारे फैमिली मैटर पे दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए जाते हैं, अगर सबको हम इंक्लूड करें तो सारे आरोप में 99% आरोप झूठे होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया कहता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि हम कोर्ट के पास आते नहीं हैं कि इनको आप पनिश करो, या कोर्ट उनको पनिश नहीं करता, जबकि ये क्लियर कट मामला बनता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, अगर उसने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया है तो, या नहीं तो फिर क्रिमिनल डिफेमेशन का। तो इसीलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट के पास आया हूँ कि आप जस्टिस कीजिए,
क्रिमिनल को सजा मिलनी ही चाहिए। आप पूरा पढ़ सकते हैं मैम मेरा पिटीशन, एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, पूरे सबूत के साथ कह रहा हूँ, पूरे सबूत। इवन सुप्रीम कोर्ट झूठा है ये भी मैं पूरे सबूत के साथ कहता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मैंने केस कर रखा है क्योंकि वो झूठा है, चीटर है, ये मैंने केस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आप देख सकते हैं। इसमें ही इसी का मामला है, इसी का मामला है, इसी का मामला है। हाँ तो मेरा प्रेयर है ऑनरेबल कोर्ट में भी प्लीज टू पास प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ मैम। पेज नंबर 63, पैरा नंबर 2.1, मेंटेनेंस पिटीशन एमजेसी नंबर 329/2015। पेज नंबर 10-15 का रेफरेंस दिया हूँ मैंने। हाँ, अब उसमें पेज नंबर 11 में आपने देखिए, पैरा नंबर 3 में, अपने पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, उसने ये लिखा है, और ये आईपीसी 499 के तहत क्राइम है जो किसी भी एक्सेप्शन में नहीं आता, किसी भी एक्सेप्शन में 10 एक्सेप्शन है 499 में। अनावेदक के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, ये आरोप लगाया है। पेज नंबर 12 में, पैरा नंबर 7, आवेदिका अपने पुत्री के साथ अपने मायके में अपने माता पिता के साथ सीपत बिलासपुर दिनांक वो से आवेदक बिना किसी कारण के परित्याग कर दिए जाने के कारण डेजर्शन का आरोप लगाया, जबकि उसने खुद कबूल किया है फोन कॉल रिकॉर्डिंग में कि वो मुझे छोड़ के गई है, ये सबूत भी मैं पेश करूंगा। पैरा नंबर 8, पत्नी आवेदिका के साथ दहेज को लेकर ताना देता रहा, दहेज प्रताड़ना वाला आरोप, हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हो कहते हुए आवेदिका के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, इस प्रकार अनावेदक के द्वारा आवेदिका के साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पेज नंबर 13, फिर से यहाँ पे आरोप लगाया, क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, बिना किसी कारण के अनावेदक द्वारा अपनी पत्नी एवं पुत्री का परित्याग कर दिए जाने। अब मैं वापस पेज नंबर 63 में आता हूँ, जिसमें विटनेस एफिडेविट है जो अनेक्सर P4 में है, पेज नंबर 23-24, जो कि सेम पिटीशन का, वहाँ पे 18-4 चीफ एफिडेविट चलता है वो। तो यहाँ पे पेज नंबर 23 में पैरा नंबर 3, मेरे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, ये आरोप लगाया, पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना। ये शपथ पत्र देख लीजिए मैम, किसने दिया है, श्रीमती ममता साहू, मेरी वाइफ। पेज नंबर 24 में आता हूँ, यहाँ पे परित्याग कर दिए जाने का आरोप लगाया है पैरा नंबर 7 में। पेज नंबर 24 में ही उनके बहकावे में आकर मुझको दहेज को लेकर ताना देते रहता है, मैं हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हूँ कहते हुए मेरे साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं, इस प्रकार मेरे साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, ये झूठा आरोप लगाया। पेज नंबर 25, क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार, ये लिखा है, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने खुद कबूल किया है कि मैं उसको फ्लाइट में घुमाता था, खंडाला लोनावाला सब जगह घुमाता था, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखाता था, उसके बाप ने तक कभी नहीं दिखाया घुमाया, ये कबूल किया, इसी इसमें है, मैं दिखाऊंगा वो पेज भी। 60,000 रुपये मासिक राशि की आवश्यकता है, उसने मेंटेनेंस मांगा है 60,000 रुपये मासिक,
यहाँ तो बहुत लोगों की किसी की कमाई नहीं होगी 60,000 रुपये, वो फ्री में बैठे बैठे मकारी में खाना चाहती है। जिसको ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने क्लियर कट इंग्लिश में कहा है, किसी को डोल बना के हम यहाँ पे खिला पिला नहीं सकते हैं अगर समाज को प्रोग्रेस करना है तो करके। एनीवे मैं वापस आता हूँ, पेज नंबर 26 एनेक्शर P5 यहाँ पे है एक्यूज्ड नंबर 2 राम अवतार साहू, पैरा नंबर 2 मेरी पुत्री ममता साहू को गौना करा के अपने घर वाला ले गया, वो लिखा है। पैरा नंबर 3 मेरी पुत्री के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, मेरी पुत्री अपने पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के बावजूद अनावेदक के व्यवहार में मेरी पुत्री के प्रति कोई परिवर्तन नहीं आया, ये लिखा है। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पैरा नंबर 7 तीसरा लाइन, बिना किसी कारण के परित्याग कर दिए जाने के कारण वो मायके में रह रही है, ऐसा लिखा है। पैरा नंबर 8, मेरी पुत्री को दहेज को लेकर ताना देता रहता है, मैं हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हूँ कहते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं, इस प्रकार अनावेदक के द्वारा मेरी पुत्री के साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ये चीफ एफिडेविट में मेरे फादर इन लॉ राम अवतार साहू ने लिखा है। पेज नंबर 28 फिर से उसने लिखा है, बिना किसी कारण के पत्नी का परित्याग कर दिया, पैरा नंबर 11 में लिखा है। पैरा नंबर 14 में लिखा है, बिना किसी पर्याप्त कारण के परित्याग कर दिया, जबकि उसने खुद कबूल किया है कि वो छोड़ के गई है, मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है एंड एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65 भी मैं वो सबमिट कर दूंगा। अब आते हैं हम एनेक्शर P6 विटनेस स्टेटमेंट रिस्पॉन्स एक्यूज्ड 1 इन MP नंबर 744/15 मतलब पुणे फैमिली कोर्ट में द राइट, पेज नंबर 30 द राइट फ्रॉम द आउटसेट रिस्पोंडेंट इज अ विक्टिम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल क्रुएलिटी आफ्टर मैरिज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोहैबिटेशन ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ वेरी ट्रिवियल रीजन पिटिशनर स्टार्टेड हरासिंग हर इमीडिएटली आफ्टर हर मैरिज विथ पिटिशनर। पैरा नंबर 7 पिटिशनर यूज टू बीट हर मर्सीलेसली एंड देयर बाय पिटिशनर नॉट ओनली इल ट्रीटेड रिस्पॉन्डेड बट कॉस्ट हर मेंटल एंड फिजिकल क्रुएलिटी टू ग्रेट एक्सटेंट, इतना मारा उसको कि पागल हो गई, ऐसा कहने का मतलब। पेज नंबर 31 दैट रिस्पोंडेंट स्टेटेड दैट सिंस 3.5 ईयर पिटिशनर हैड नो कंप्लेंट्स विथ रिस्पोंडेंट, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, कोई कंप्लेन नहीं फिर भी मार रहा है, गजब है भाई। पेज नंबर 32 हाईलाइट किया हूं मैंने, ही केयरलेसली लेफ्ट पिटिशनर एंड डॉटर 1.6 ईयर ओल्ड एट द स्टेशन एट नाइट एंड वेंट टू हिज होम, ये आरोप लगाया है जबकि उसने खुद कबूल किया है कि वो छोड़ी है, वो खुद कोर्ट में लिखित में जिसका सर्टिफाइड कॉपी मैं प्रस्तुत किया हुआ हूँ। पेज नंबर 33 देयर ऑल्सो ही डिनाइड कोहैबिटेशन विथ हर, मतलब डिजर्शन का आरोप, ये फैमिली कोर्ट में उसने आरोप लगाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या आरोप लगाए हैं, पेज नंबर 35 एनेक्शर P7 पेज नंबर 35 पिटिशनर इज ममता साहू, ये ट्रांसफर पिटिशन था जो मैंने डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी पिटिशन जो लगाया था पुणे फैमिली कोर्ट में उसका ट्रांसफर पिटिशन था। पेज नंबर 37 यहाँ पे लिखा है द रिस्पोंडेंट यूज टू हरास द पिटिशनर बोथ फिजिकली एंड मेंटली, द रिस्पोंडेंट वॉज ऑल्सो हरासिंग द पिटिशनर फॉर गेटिंग लेस डाउरी। पेज नंबर 41 उसने ग्राउंड में लिखा है, पेज नंबर 41
उसने ग्राउंड में लिखा है, बिकॉज द पिटिशनर इज लिविंग विथ हर पेरेंट्स एंड हैज नो सोर्स ऑफ इनकम टू मेंटेन हर सेल्फ एंड हर डॉटर। क्लियर कट पेज नंबर 41(3.1) में लिखा है कि उसके पास कोई सोर्स नहीं है, जबकि खुद पुणे फैमिली कोर्ट ने इस पिटिशन फाइल करने के 1.5 साल पहले 7,500 रुपये बेटी के नाम से मेंटेनेंस ग्रांट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, उसने परजूरी क्राइम किया और क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ नहीं किया, इसीलिए ये सब क्राइम बढ़ते जाता है। पैरा नंबर 3.5 पेज नंबर 41, बिकॉज द डॉटर ऑफ पिटिशनर इज 3 years old एंड दस इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द पिटिशनर टू ट्रेवल टू पुणे अलॉन्ग विथ हर स्मॉल डॉटर टू अटेंड द हियरिंग ऑफ द केस। मतलब पुणे फैमिली कोर्ट में डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी केस अटेंड करने में, बच्ची के साथ आने में उसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए केस को ट्रांसफर कर दो। उसने ये बोला, बच्ची को तो वो कभी लेके आई नहीं, पुणे फैमिली कोर्ट उसके हाथ पांव जोड़ रही थी, 3 बार उसने ज्वाइंट परसेस ऑर्डर पास किया, फिर भी उसने मुझको बच्ची को बिलासपुर के फैमिली कोर्ट के पार्किंग एरिया में नहीं मिलाया। 2 बार फोन पे बात कराने की बात हुई थी, फिर भी नहीं मिलाया। पुणे फैमिली कोर्ट ने ज्वाइंट परसेस ऑर्डर पास किया था, फिर भी वो नहीं मिलाया, इसलिए उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है पुणे फैमिली कोर्ट में, सेक्शन 2B सेक्शन 12 के तहत, क्योंकि उसने ऑर्डर नहीं माना पुणे फैमिली कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम बेटी को लेके आते हो इसलिए तुमको प्रॉब्लम होती है, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। गजब का झूठ बोलता है यार सुप्रीम कोर्ट भी। नाउ 3.6, बिकॉज द पिटिशनर एंड हर डॉटर हैज बीन डेजर्टेड बाय द रिस्पोंडेंट। मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, उसको परित्याग कर दिया, डेजर्ट किया। खुले आम झूठ बोलना सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं भी। अब मैं बताता हूँ पेज नंबर 46, यहाँ पे प्रोसीडिंग इन कैमरा के बारे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फर्रुखाबाद ने लिखा है, जो मैं कह रहा था वही, बट एनीवे चलेगा। अब मैं आता हूँ एविडेंस पे, पेज नंबर 50। अब ये एलिगेशंस लगाए हैं, ऑब्वियसली या तो एलिगेशंस करेक्ट हैं और करेक्ट नहीं हैं तो फिर ये क्रिमिनल डिफेमेशन के दायरे में आता है, आईपीसी के सेक्शन 499, 500 एंड 501। तो ये क्लियर कट डिफेमेशन का मामला है, क्योंकि मेरे पास पूरा एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग, जो मैं किसी के मोबाइल में भी वो अपलोड करके अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास तो है ही है। एविडेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन, सो पेज नंबर 63, 4.1, एक्यूज्ड वन ममता साहू कॉल्ड फ्रॉम मोबाइल नंबर दिस टू कंप्लेनेंट हस्बैंड जयेंद्र एट मोबाइल नंबर दिस। पेज नंबर 63, पैरा नंबर 4.1, एट 3 अप्रैल 15, 5:32 PM एंड कन्फेस्ड इन फोन कॉल विच आर रिकॉर्डेड एंड अवेलेबल टू प्रेजेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट द कन्वर्सेशन वॉज, इट वॉज इन हिंदी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो कोई मारने वाली बात नहीं है राइट, तुम एग्री करते हो ना? तो उसने कहा, ममता ने कहा, आप मारे पीटे तो हो नहीं, ये चीज़ तो मैं उस दिन भी बोल रही थी, मारना पीटने वाला तो कुछ था ही नहीं। ये उसने कबूल किया है, जिसका फोन कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नाउ 4.2, देयर आर सेवरल वीडियो रिकॉर्डिंग वेयर एक्यूज्ड वन हैज क्लियरली एडमिटेड इन फ्रंट ऑफ पुणे फैमिली कोर्ट एंड बिलासपुर फैमिली कोर्ट विच क्लियरली प्रूव्स दैट बोथ एक्यूज्ड फॉल्सली अलेक्ट अगेंस्ट कंप्लेनेंट। वीडियो रिकॉर्डिंग है पुणे फैमिली कोर्ट और बिलासपुर फैमिली कोर्ट का मेरे पास, जिसमें उसने कबूल किया है कि मैंने उसे कभी हरास नहीं किया। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप जब कहें तब मैं दिखाने को तैयार हूं, लैपटॉप में मेरे पास अभी है। 4.3, कंप्लेनेंट क्लियरली रिटन इन हिज पिटीशन एमपी नंबर 744/2015, ये जो अभी हमने पढ़े हैं उसका रिस्पांस, उस पिटीशन में मैंने क्लियर कट लिखा है कि वो मुझे झूठे दहेज केस में फंसाने का बहुत कोशिश करती है, इसीलिए मेरे पास आना चाहती है और ऐसी कोशिश कर रही कि दहेज का केस बना सके। उसके बावजूद उसके रिस्पांस में उसने डाउरी से रिलेटेड एक वर्ड भी नहीं लिखा।
अगर डाउरी का मामला बनता तो जरूर लिखा होता मैडम। ये अनेक्सर P6 में मैंने अटैच किया है ये एविडेंस, पैरा नंबर 4.4 पेज नंबर 64। एक्यूज्ड वन एंड कंप्लेनेंट, मतलब मैं और मेरी वाइफ एक्यूज्ड वन ममता साहू, एसएमएस और व्हाट्सएप चैट कन्वर्सेशन हुआ है सिंस 2015, वो सब मैंने यहाँ सबमिट कर दिया है अनेक्सर P9 में। इस एनेक्सर में आप क्लियर कट देखेंगे, अगर दहेज प्रताड़ना हुई होती, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना हुई होती तो वो कभी भी कंप्लेन करती कि आप मुझे उस दिन क्यों मारे, उस दिन दहेज क्यों मांगे, इतना दहेज हम नहीं दे सकते, मुझे प्लीज मत मारो, मुझे प्लीज मत छोड़ो, ये बोलती, लेकिन कहीं भी नहीं बोला है। इससे ये साबित होता है कि वो खुद छोड़ के गई है। ये SMS और व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट अंडर सेक्शन 65F द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसके तहत मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। 4.5, एक्यूज्ड वन ममता साहू माय वाइफ कॉल्ड फ्रॉम मोबाइल दिस टू कंप्लेनेंट मीन्स मी हस्बैंड जयेंद्र एट मोबाइल नंबर दिस एट 24 जनवरी 15:08:32 PM एंड कन्फेस्ड इन फोन कॉल विच आर रिकॉर्डेड एंड अवेलेबल टू प्रेजेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। द कन्वर्सेशन वॉज, नहीं मैं अभी कुछ नहीं सोच सकता इस बारे में, मेरा खुद का तबीयत खराब है, प्लीज़ थोड़ा सा तो रहम कर दो मेरे ऊपर, ये मैंने कहा। बदले में मेरी वाइफ क्या बोलती है, मैं आपके ऊपर रहम की हुई हूँ ना, इसीलिए मैं उस दिन, मतलब 3 जनवरी 15 के दिन तुरंत आपको छोड़ करके आ गई थी, आपने बोला ना आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तुरंत आ गई थी, वरना बच्चा को पकड़े पकड़े, एक बच्चा को ले करके मैं कैरी कर रही हूँ, ठीक है, बच्चा संभालना इतना आसान बात नहीं है, बार बार तुम मुझे बोलते हो ना अकेली माँ बनी हो करके, बच्चा संभालना इतना ईजी काम नहीं है, बच्चे को लेकर बार बार आओ बार बार जाओ, आपका तबीयत खराब था, आपका रिस्पेक्ट की इसलिए मैं वहाँ से वापस आई थी, रहम की थी इसलिए वहाँ से वापस आई थी मैं वहाँ से। मेरे पास फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं अभी आपका हो तो सुना सकता हूँ, स्पीकर लैपटॉप सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B के तहत मैं वो सुना सकता हूँ। तो ये है मैडम। नाउ 4.6, 23 नवंबर को ये जो फ़ोन कॉल हुआ था, एक्यूज ने कहीं भी डिस्कस नहीं किया 23 नवंबर से लेकर के आज तक में, एक्यूज वन एक्यूज टू ने कहीं डिस्कस नहीं किया है आज तक मुझे कि दहेज नहीं दे सकते, दहेज के लिए क्यों प्रताड़ना करते हो, मारते क्यों हो, पीटते क्यों हो, कभी डिस्कस नहीं किया। झूठा आरोप कोर्ट में सिर्फ इसीलिए लगाया कि कोर्ट का गलत इस्तेमाल कर सके, और किया, कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए कोर्ट पर ज़्यादा भरोसा नहीं रहता लोगों को, और ये मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। ये सारे चीज़ एविडेंस जो उसने किए हैं वो खुद कबूल की है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 के तहत प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है, सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास, इसीलिए ये गिल्टी प्रूव होती है, और डेफिनेटली वो CRPC 200-190 के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, आप लोगों के फॉर्मेट में या जुडिशियल पुलिस के फॉर्मेट में जो भी रहता है उस इंक्वायरी को वो दर्ज करें, और उनके अगेंस्ट में IPC के सेक्शन 499, 500, 501 and 34 का क्राइम रजिस्टर करें, और क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए 1 करोड़ का मानहानि मैंने किया है, वो 1 करोड़ मैं आज मैं डोनेट करने को तैयार हूँ, मुझे 1 रुपया की लालच नहीं है, मैं पर्याप्त कमाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सोसाइटी में मैसेज देना चाहता हूँ कि ये झूठे आरोप लगाना, कोर्ट का गलत इस्तेमाल करना भारी पड़ने वाला है डेफिनेटली। ऑनरेबल कोर्ट, दिस इज माय प्रेयर। ऑनरेबल कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पास करना है, जो इसमें एक मैंने अनेक्सर लगाया है जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास किया है करके, तो जस्टिस कुरियन जोसेफ एंड जस्टिस R. Banumathi
उन्होंने परवर्चली जजमेंट पास किया है झूठ बोलते हुए, तो उसके अगेंस्ट में मैंने केस किया है। जो रजिस्ट्रार J2 कपिल मेहता ने बिना सोचे समझे क्लोज कर दिया, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में कंप्लेंट किया, वो केस रीओपन हो गया और चीफ जस्टिस ऑफिस में भेजा गया है। वो डायरी नंबर भी मेरे पास है और कोई भी चाहे तो इंटरनेट पे देख सकता है। एक फरवरी ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। Gracias.